महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की सड़कों पर बने गड्ढों पर बवाल बढ़ गया। आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, जिसके कारण बारिश के दिनों में जगह जगह पानी भर गया और ये गड्ढे लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गए। ऐसे में राज्य के कई इलाकों में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। विरार में तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर इकट्ठा हुए और लोगों को टोल देने से रोक दिया। उनके रहते जो भी गाड़ी वहां से गुजरी उन्होंने उसे टोल नहीं देने दिया। इस दौरान वहां के कर्मचारियों ने लोगों से टोल वसूलने की कोशिश भी की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता उन पर हावी दिखे। वहीं कांग्रेस की ही तरह चिपलुन में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर गड्ढों का विरोध किया। वो शिवसेना का झंडा हाथों में लिए मुंबई गोवा हाईवे पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। शिवसेना के कार्यकर्ता यहीं नहीं रुके, उन्होंने हाईवे पर जहां भी गड्ढे दिखे वहां खेती करके ये जताने की कोशिश की कि सड़क खेतीबाड़ी के काम की रह गई है, क्योंकि वहां से लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की सड़कों पर गड्ढों पर सियासी संग्राम यहीं थमता नहीं दिखा और कई जगहों पर एमएनएस कार्यकर्ता भी इस मुद्दे पर उठ खड़े हुए। उन्होंने पुणे में सड़क पर गड्ढों के इर्द गिर्द गाड़ी बना दी। रंगोली में गाड़ी का डिजाइन बनाकर उन्होंने अपना विरोध जताया। रंगोली काढून मनपा प्रशासनाने निषेध करतोय। प्रदर्शन यही नहीं रुके, उन्होंने गड्ढों में भरे पानी में कागज की नाव भी चलाई। गड्ढे मुक्त पुणे, गड्ढे मुक्त पुणे। साथ ही हाथों में बैनर लिए एमएनएस कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए गड्ढों के इर्द गिर्द खड़े हो गए और उनके चारों तरफ पौधे लगा दिए।